गुड आफ्टरनून किड्स। तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ ओरल करेंगे, जो आपको पहले रिवीजन करते हैं हम। तो सबसे पहले आपकी मात्रा आती है आ, ठीक है। ये आ है, आपने पढ़ा है आ से आम, क्या होता है आम होता है। तो जब हम किसी वर्ण में यानी कि क ख ग घ होते हैं, कॉन्सोनेंट जिसे कॉन्सोनेंट होते हैं, उसमें अगर हमें आ की मात्रा लगानी है तो आ की मात्रा के लिए हम देखो एक स्टिक खींच देते हैं इस टाइप से। एक स्टिक उस अक्षर के आगे लगेगी तो वो हम उसको पढ़ेंगे आ, ठीक है। उसका साउंड आएगा आ का। जैसे देखिए ये कौन सा वर्ण है, ये है ज। क्या है ये? ज। अब ज में हमें आ की मात्रा लगानी है तो हम क्या करते हैं, ज के आगे एक स्टिक खींच देते हैं तो ये बन जाती है आ की मात्रा, यानी कि ज पे आ की मात्रा लगी है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे ज पे आ की मात्रा लगी है, हम इसे पढ़ेंगे जा। अब हम इसको बार बार ये नहीं बोलेंगे कि ज पे आ की मात्रा ऐसे, अब हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इस तो हम इसे पढ़ेंगे क्या है ये जा। अब देखिए आगे हमने मात्रा लगाई तो ये बन गया, ये ल पे मात्रा लगी ला। ऐसी अब हमें ट पे मात्रा लगानी है तो ये बन गया टा। प पे हम मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा पा, क्या बनेगा पा। हम इसे क्या पढ़ेंगे पा। प आ की मात्रा पा, अ पे आ की मात्रा आ। अब ये क्या है र, र पे आ की मात्रा रा, क्या हो जाएगा रा। अब ये देखिए क्या है ये ह है, क्या है ये ह। अब ह से हाथी होता है ना, हाथी के लिए हमें हा आ, देखिए आ का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है आ का साउंड आ रहा है और हमें यहाँ पे मात्रा लगानी है तो हम एक स्टिक खींच देंगे तो इस पे साउंड कैसे आएगा आ का हा। पा पूरा हमें मुंह खोल के बोलना है, पा टा आ रा जा का। तो इस टाइप से ये हम ये मात्राएं लगाते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर। मात्रा लगाएंगे तो हम इसको इस टाइप से पढ़ेंगे।